सभी को राम राम जी और सनातन धर्म की जय। आज सुबह से ही हम लोग जो है इस पूरी बेल्ट में हैं, विजयपुर से लेकर कठुआ तक। तो इस समय हम हीरा नगर पहुंचे हैं और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो यहां से कैंडिडेट हैं, एडवोकेट विजय कुमार शर्मा जी हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब मैं ना हीरा नगर पहुंचा तो सबसे पहले यहाँ पर गिरधारी लाल जी का स्टैचू दिखा, तो मैं कुछ बात करना चाहूंगा। गिरधारी लाल जी डोगरा वो शख्स हैं जो उन लोगों में से एक है जिन्होंने ये सपना देखा था कि इस जगह से, जम्मू कश्मीर से 370 खत्म हो, और आज जो मोदी जी ने 370 खत्म की है, एक किस्म से हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि है, चाहे वो गिरधारी लाल जी डोगरा जी हो या फिर बाकी जितने भी कर्मठ नेता रहे हैं जिन्होंने अपनी शहादतें तक दे दी 370 को लेकर। सर, आज आप हीरानगर से कैंडिडेट हैं, क्या लगता है कि जो ये 370 के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और आज सीधी सीधी जो लड़ाई है वो एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान से भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि अगर यहाँ एनसी कांग्रेस जीतेगी तो हमारा एजेंडा 370 फिर से वापस आएगा, तो ये सामने दिख रहा है कि पाकिस्तान के इशारों पर कुछ चीजें चल रही हैं, तो क्या लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी? देखिए, लोगों को समझनी नहीं पड़ेगी, लोग समझ चुके हैं। अभी तक आपने देखा 47 के बाद जितनी कश्मीर केंद्रीय सरकारें हैं, कश्मीर केंद्रीय जितनी राजनीतिक दल है उनकी सरकारें जहां पर रही हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे जम्मू के लोगों के साथ एक सुतेला व्यवहार किया है, आज का जो वोटर है, जहां जहां का कह सकते हैं जम्मू का जो भी नागरिक है, वो बड़ा पढ़ा लिखा और जागरूक है, इन सब बातों को समझता है। सुतेला व्यवहार की बात छोड़िए, उन्होंने जिस प्रकार से पाकिस्तान के एजेंडा को लागू करके और एक जितनी जहां पर जो अलगाववादी फोर्सेस थी उनके एजेंडे को उन्होंने बड़ा प्रोत्साहन दिया है, आप डायरेक्टली कह लीजिए, इनडायरेक्टली कह लीजिए, और सारा हिंसा का तो तांडव जो लोगों ने एक मिलिटेंसी के रूप में जहां पर देखा है। तो इसमें अभी थोड़े दिन पहले एक पाकिस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर का एक इंटरव्यू भी आया था, उसने कहा था उन्होंने कि जिस प्रकार से एक पाकिस्तान चाहता जो उसका एजेंडा है, उसी एजेंडे पर जो हमारी जो कश्मीर केंद्रित पार्टियां जो एनसी है या अपनी पीडीपी है और कांग्रेस भी है, उन्हीं के एजेंडे पर चल रही है, और लोग इस बात को बखूबी जानते, पहले से भी जानते थे, आप तो ये कह सकते हैं कि उनके इंटरव्यू से और ज्यादा ये बात स्पष्ट हो चुकी है। तो लोग समझते हैं कि ये जो एक इलेक्शन है, ये सामान्य इलेक्शन ही, जिस प्रकार से 5 साल के बाद एक इलेक्शन होती है और लोग जो वोटर्स हैं वो एक जो राजनीतिक दल जिन्होंने उनके उनके लिए अच्छा काम किया होता है उसके हाथ में वोट डालते हैं, इससे परे हटकर लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो एक इलेक्शन है, ये एक तरफ तो राष्ट्रवादी जो ताकतें हैं जिसमें ये अपना भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए अपना देश प्रथम है, अपनी ये माटी पहले आती है, और दूसरी तरफ जो आपकी ये राष्ट्रवादी ताकतें हैं जिनका जो एक एजेंडा रहता है, और दुर्भाग्यवश ये हमारे जितने भी ये कश्मीर केंद्रित दल हैं, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस जैसी पार्टी ने उसे गठजोड़ किया है और उन्होंने जो एजेंडा अपने सामने रखा है जो अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, लोग उसको बखूबी समझ रहे हैं। लोग समझते हैं कि अगर ये राजनीतिक पार्टी या जो दल जो इकट्ठे हुए हैं, अगर किसी कारणवश ये जहाँ सत्ता में आने पर काम, तो फिर तो दोबारा जो मिलिटेंसी जोर पकड़ गई, जहां पर जिस प्रकार से पहले निर्दोष लोगों की हत्याएं होती थी, और इसको छोड़िए कश्मीर के भी बहुत सारे जो नौजवान थे उनको गुमराह करके उन्होंने पाकिस्तान भेजा, उनके हाथों में बंदूकें पड़ाई, ग्रेनेड पड़ाए, और अपने बच्चे इनके फार्म में जाते थे, वहां पढ़ते थे, वहां नौकरी करते थे या देश के दूसरे हिस्सों में जाते थे। कश्मीर के लोग समझते, जम्मू के लोग तो बखूबी समझते हैं, और मैं समझता हूँ कि लोगों को पता है कि हमारा हित जो है किस पार्टी के हाथ में सुरक्षित है, और ये भी जानते हैं कि आज हमारा जो हिरण कॉन्फ्रेंस में आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट का जितना भी जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, सारे का सारा हिरण कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, और यहाँ की जो सीमा आज सुरक्षित है मोदी जी के आने बाद, और उसके पहले जो हमारे सीमा पर रहने वाले लोग थे, जिस प्रकार का धंस उन्होंने झेला है, गाँव का कब कैसे फायरिंग हो जाए, और तब कांग्रेस के समय तो वहां से ऊपर से आर्डर लेना पड़ता था, आज की तारीख में देखते हैं कि बंकर्स बने हैं, रिजर्वेशन बनी है, और पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करे, सीज फायर का वायलेशन करे, और आए लोग बातें करते हैं यार जी मोदी सरकार ने बंकर्स तो दे दिए पर इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, तो इस प्रकार का वातावरण, आप चाइना जैसा देश देखिए किस प्रकार से चुप करके बैठा है, तो एक
लोगों की बात नहीं जी, बात को भी समझा जी। आपका जो ये इलाका है पूरा हीरानगर का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बॉर्डर का इलाका पड़ता है, क्या लगता है आपको, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, कुछ और चीजों पर काम करने की जरूरत है? अगर आप एमएलए बन के आएंगे, आप क्या प्रायोरिटीज रहेगी अपने हीरानगर के, खास करके यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, जो जो हीरानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक तो इसका हिस्सा जो काफी बॉर्डर पर लगता है, बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, एक हमारा कंडी क्षेत्र है, तो थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं जो हमारा बीच का हीरानगर का इसके अडजाइनिंग जो भी है, बॉर्डर की अपनी अलग से समस्या है। सबसे बड़ी जो समस्या मैं समझता हूँ आज के तारीख में, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं है, लोग खुशी से रह रहे हैं बिना किसी डर के, बॉर्डर के जितने भी लोग हैं जहाँ बॉर्डर पर उसके साथ सटी जमीन या थोड़ा उसके आगे भी है, बहुत बड़ा एक बिग चंक ऑफ लैंड वो दैट इज स्टेट लैंड एंड दैट इज बींग कल्टिवेटेड बाई देयर एंसेस्टर सिंस 1947। और उस समय ये जमीन बड़ी बंजर थी और उनके बुजुर्ग ने जिस प्रकार से इस जमीन पर मेहनत करके इसको काश के योग्य बनाया, अब आज की देख में वो लोग इसको काश कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, आज वो वहां का जो किसान है वो बड़ा मार्जिन फार्मर है, छोटा फार्मर है, 10 कनाल 15 कनाल 20 कनाल आप खूबी समझते, जिसके पास इतनी जमीन है कोई रोजगार नहीं है, इतनी सारी जमीन पर मुश्किल से उसके पेट भरता है, बाकी सुविधाओं की तो बात छोड़िए। अभी कांग्रेस की सरकार जो 60 वर्ष से ज्यादा उन्होंने राज किया, यहाँ कश्मीर के अंदर सरकारें नहीं, इनके बारे में कुछ नहीं सोचा हमें, और उनको मालिकाना हक दिया जाना चाहिए था पर आज की तारीख में नहीं दिया। आज ये ठीक है कि आज की डेट में जो एक इनकी जो एक काश्तकार के काश्तकार खाना था, खसरा के दौरी जो एक रेवन्यू डॉक्यूमेंट है उसमें कल्टिवेटर काल में इनकी एंट्री थी, कल्टिवेटर काल में इनकी एंट्री थी, अभी वो एंट्री भी वहां से निकाल दी गई। आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वहां मैंने उनके सामने एक बात रखी है कि ये जो लोग हमारे जो सशस्त्र बल के जवान थे जो बॉर्डर पर प्रहरी के बांध के इनकी सीमा की रक्षा कर रहे थे, वहां के बॉर्डर के लोगों का उनके साथ रहना, कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहना, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और उन लोगों को अगर हम जिन्होंने इतना धन झेला है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के लिए बहुत सारी मुसीबतें झेली है, आज की तरीके में चाहिए उनकी एक तो एक एंट्री जो उनकी थी वो एंट्री को बहाल नहीं करना है, उनको इसकी ओनरशिप देनी चाहिए। मैंने माननीय शिवराज सिंह चौहान के सामने एक बात रखी। दूसरा इनका जो सबसे बड़ा था हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, और दूसरा इसके बीच में जो तारबंदी, इसके बीच में बहुत सारा कोई अलावा कह सकते हैं कि 11 कनाल एरिया है, और अभी तो थोड़ा ये हमारा कुछ एरिया है जहाँ कह सकते हैं कि 200-300 कनाल सरकार के प्रयासों से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयासों से उसको काश किया है, बाकी इतना सारा एरिया है वो ऐसे ही पड़ा है, वीरान पड़ा है, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन ही उसके तारबंदी और उसके बीच में है, तो इससे वंचित है वो। तो एक तो लोगों की डिमांड है कि हमें जो 20 साल से 21 साल से जो हमारी जमीन जो है उसको हम काश नहीं कर, उसका तो एक कंपनसेशन मिलनी चाहिए, और दूसरा बाकी जो लैंड उसको भी कल्टिवेशन के योग्य बनाना चाहिए। मैंने उनके सामने बात रखी, बड़ी विस्तार से रखी, उन्होंने मेरे को ये पूरे जनता जनार्दन के सामने हमें आश्वासन दिया, मैं इस पर जरूर काम करूंगा, मोदी से बात करने पड़े वो भी करूंगा, इन लोगों का हक दिलाऊंगा। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हीरानगर के लोगों की ये फायदे की बात है जो दोनों आपने बातें की और शिवराज जी को आपने बताई है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल है, ये जो 370 के बाद इलेक्शन हो रहे हैं आज ना, लोगों के बीच में एक जो खास करके जम्मू है, जम्मू प्रोविंस 10 जिले हमारे, उनका ये कहना है कि डोगरा राज वापिस आना चाहिए, अपना चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, डोगरों का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, और 70 सालों से कभी डोगरों का चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ, अब ये बात उठना शुरू हो गई है। आप इस बात पे क्या कहेंगे, क्या भाजपा इतनी सीटें लेकर आएगी कि अपना सरकार और अपना एक चीफ मिनिस्टर दे पाएंगे? देखिए, मैं एक बड़ा जो भी बात करूंगा लॉजिक लॉजिक देखकर बात करूंगा। अभी थोड़े 3-4 महीने पहले आपको पता पार्लियामेंट के इलेक्शन 2 सीटें हमने जम्मू से जीती हैं, उसमें से 2 सीटों में जो 28 असेंबली सेगमेंट थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया है। अब पार्लियामेंट की इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में इतना फर्क है जितना जमीन आसमान का, बड़ा उसमें एक स्पेसिफिक फोकस नहीं रहता असेंबली सेगमेंट पर, और इसमें चूंकि मैं भी यहाँ का प्रत्याशी हूँ, जितना एक असेंबली सेगमेंट में पार्लियामेंट की इलेक्शन में रहा है उसे कह सकते हैं कि 20-25 गुना ज्यादा फोकस रहता है, तो स्वाभाविक है इसमें हमारी सीटें बहुत सारी बढ़ेंगी, और लोगों का मन है, लोग मन तैयार करके बैठे हैं, और लोगों ने सारा ये आकलन किया है, एनालिसिस किया है,
कांग्रेस की सरकार में क्या है, भाजपा की जो सरकार भाजपा जी के समय से, जहां 2014 से जिस प्रकार से मोदी जी उनकी कल्याणकारी योजना है, जो बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए हैं, और आप ये चौड़ी चौड़ी सड़कें, एक्सप्रेस वे, हाईवे, ये एक मेडिकल कॉलेज हमारे वहाँ जम्मू में होता है, कठुआ में है, आपका रजौरी में है, डोडा में है, उधमपुर में है, इतने सारे मेडिकल, सबसे बड़े एम्स हमारे घर में खुल रहा है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लोग बखूबी समझते हैं कि ये सरकार क्या कुछ कर रही है, और लोगों ने मन बनाया हुआ है, और जम्मू का जो एक चीफ मिनिस्टर है, भाजपा की सरकार बनेगी, निस्संदेह भाजपा का चीफ मिनिस्टर जम्मू से बनेगा। ये लोगों की बड़ी चिरकाल एक कह सकते हैं कि एस्पायरेशन है, उनकी मन में एक ख्वाहिश थी, क्या पूरी होने जा रही है। मैं समझता हूँ कि एक प्रत्याशी में जो मैं जहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जिस प्रकार से इनपुट्स आ रहे हैं, कश्मीर से भी सीटें हमारी आएंगी, और जम्मू से बहुत सारी सीटें आप मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, एक कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ, यहाँ से आएंगी, और भाजपा की सरकार अवश्य बनेगी। और जिस प्रकार मैं आपको अपनी तरफ से कहूँ, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, मैं भाजपा का प्रत्याशी के तौर पर लोगों के बीच जाता हूँ, नुक्कड़ सभाएं करता हूँ, छोटी बड़ी रैली करता हूँ, पर ईमानदार की बात है कि जितना भाजपा का लोग वहां पर होते हैं विचारधारा को, तो कांग्रेस के लोग भी जिस प्रकार से समर्थन दे रहे हैं, वो भी इस बात को बखूबी समझते हैं यार, देश सबसे पहले आता है। आज मोदी जी ने जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर को सुरक्षित रखी है, देश का मान और जो गौरव पूरी दुनिया बढ़ा है, देश आज एक सुरक्षित हाथों में, एक बड़े मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में है। हमारे बांग्लादेश में देखिए ना, जिसकी इकॉनमी बड़ी अच्छी थी, पर रातों रात छात्र आंदोलन के कारण उनको रातों रात भागना पड़ा, नहीं भागती तो उनका कुछ भी हो सकता है, उनकी हत्या भी हो सकती थी। थोड़े ऐसा पहले जाइए आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, हमारे जो पुरखे वहां पर गए थे, उनका करोड़ों अरबों का बिजनेस था, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को लेकर वहां से यहां पहुंचे हैं। वो क्यों? इसलिए कि वहां का जो प्रधानमंत्री, वहां के मुखिया थे, वो एक मजबूत हाथों में उनकी सत्ता नहीं थी। तो मोदी जी के बारे में एक ऐसा आदमी, संत आदमी, अभी प्राण प्रतिष्ठा में जिसने 11 दिन पानी पीकर अपना जो एक अपने आप को बनाए रखा, आज बताइए कोई बिरला संत हो जो ऐसा कर सकता। और एक ऐसा आदमी जिसने एक भी छुट्टी लिया, 24 घंटे 24/7 लोगों के लिए काम कर रहा है। लोग समझते सारी बात, पढ़े लिखे हैं, और बोर्ड के माध्यम से जो उनका एक मन की जो बात है वो सामने आएगी। मैं इसमें पूरा तौर पर कह सकते हैं, मोर देन 100% आई एम कॉन्फिडेंट दैट बीजेपी विल डेफिनेटली सर्टनली कम इन पावर एंड चीफ मिनिस्टर विल बी दैट ऑफ अवर जम्मू रीजन एंड ही विल बी डूबा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम इस समय हीरानगर में हैं और एडवोकेट विजय कुमार शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हैं, उनसे बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हीरानगर के जितने भी लोग हैं, खास करके बॉर्डर के भी रहने वाले, वो इस इंटरव्यू को जरूर सुनिए। और ये बात तो सही है, आज जम्मू के हर जगह में, मैं जब जम्मू की बात करता हूं ना, तो मैं सिर्फ एक जम्मू की बात नहीं करता, जम्मू प्रोविंस की बात करता हूं, जिसमें 10 जिले हैं। आधे लोगों को तो कन्फ्यूजन बड़ी है, मैं अब बार बार इसीलिए कहता हूं कि 10 जिले हैं भाई हमारे जम्मू प्रोविंस में। तो जिन लोगों को कन्फ्यूजन है 2.5 जिलों वाली, तो वो कन्फ्यूजन दूर कर ले। अब जम्मू प्रोविंस का बच्चा बच्चा ये चाहता है कि हमारा चीफ मिनिस्टर हो, और वो भी डोगरा चीफ मिनिस्टर हो, डोगरा राज वापिस आए। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद विजय जी, आपने अपना कीमती समय दिया। विजय जी हीरानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हैं। धन्यवाद जी, सभी को राम राम।